2018 में लॉन्च हुआ Redmi Note 5 Pro हम सबका और आपका एक पसंदीदा फोन या कहे तो फेवरेट फोन बन चुका है, जिसको हमने और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने मिलकर बहुत सारे फोन के साथ कंपेयर वीडियो बनाया है या कहे तो कंपेयर किया है। जैसे कि आपने देखा होगा Oppo F7 के साथ कंपेयर वीडियो और Nokia 7 Plus, Honor 9 Lite, Huawei P20 Lite एंड ऑल्सो द Realme 1 एंड द Asus Zenfone Max Pro M1 4GB RAM वेरियंट के साथ, बट और भी बहुत सारे फोन के साथ आपने कंपेयर वीडियो देखा होगा। लेकिन हमारा जो Redmi Note 5 Pro है, इन सारे फोन को सभी जितने भी बजट फोन है सभी को बुरी तरीके से पछाड़ दिया है और अभी तक बेस्ट बजट फोन का खिताब अपने पास ही रखा है। लेकिन आज हमारे पास जो फोन है वो है Asus Zenfone Max Pro M1 6GB RAM वेरिएंट। हाजी दोस्तों, 6GB RAM वेरिएंट जो कि कहा जा रहा है कि बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स के साथ आया है। आप इसको एक तरीके से रिलॉन्च कह सकते हो, अपडेटेड रिलॉन्च, जिसमें आपको अपग्रेडेड कैमरा मिलता है, फोन पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज होकर मिलता है। तो चलिए देखते हैं क्या अब ये फोन हमारे Redmi Note 5 Pro को बीट कर पाता है या नहीं। तो मैं हूं साइबर आपका दोस्त और आप देख रहे हो टिप टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो इससे पहले कि हम इन दोनों फोन का कंपैरिजन स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहूंगा मैंने ऑलरेडी Asus Zenfone Max Pro M1 6GB RAM वेरिएंट वाला का अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो बना चुका हूं, चाहे तो वो वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में लिंक दे दूंगा। आपको अगर इस फोन के बारे में जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख लेना। तो बात करें अगर कंपैरिजन की, तो सबसे पहले बात आते हैं इन दोनों के UI का। आप जब भी इन दोनों फोन को बूट अप करोगे, ऑन करोगे, तो आपको सबसे पहले चेंजेस देखने को मिलेगा इन दोनों के UI में। एक में मिलेगा आपको MIUI जो कि बहुत ही कस्टमाइजेबल है, आपको थीम वगैरह मिलता है, बहुत सारे एडिशनल फीचर वगैरह देखने को मिलता है, बहुत सारे कस्टमाइजेबल है इसका UI। और वहीं पर अगर बात करें स्टॉक एंड्रॉइड की, तो यहाँ पर आपको एकदम क्लीन कट डिजाइन मिलता है, ना कोई ब्लॉटवेयर मिलता है, आपको एकदम मक्खन जैसा फीलिंग आपको स्टॉक एंड्रॉइड में देखने को मिल जाता है, ना कोई बग मिलता है, कोई भी इशू वगैरह आपको स्टॉक एंड्रॉइड में देखने को नहीं मिलता है, एकदम नॉर्मल फील आपको देखने को मिल जाता है। अगर वहीं पर बात करें दोनों के एंड्रॉइड वर्जन की, तो यहाँ पर भी आपको सेम दोनों एंड्रॉइड वर्जन मिल जाता है, दोनों ही में आपको एंड्रॉइड 8.1.0 ओरियो मिल जाता है। तो वर्जन को लेकर कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर बात करें अपडेट को लेकर, तो आपको जितने भी अपडेट या पैचेस वगैरह आएगा सबसे पहले आएगा Asus पर, क्योंकि उसमें है स्टॉक एंड्रॉइड। तो आपको तो पता होगा लोग स्टॉक एंड्रॉइड प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें ज्यादातर अपडेट सबसे पहले मिल जाता है आपको, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट कंपैरिजन पर चले, उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहूंगा जो कि बहुत ही शॉकिंग लगा मुझे। यहाँ पर मैंने इन दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन चेक करने के लिए दोनों ही फोन में CPU Z को इंस्टॉल किया देखने के लिए इन दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन, तो वहां पर मुझे एक शॉकिंग चीज देखने को मिला। जैसे कि यहाँ पर आप लेफ्ट वाले फोन में देख सकते हो जो कि Asus है Zenfone Max M1 Pro 6GB RAM वाला, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है Snapdragon 660। तो बहुत ही शॉकिंग दोस्तों है, Redmi Note 5 Pro में 636 ही दिखा रहा है, लेकिन अगर बात करें Asus की, तो वहाँ पर Snapdragon 660 दिखा रहा है जो कि बहुत ही अननोइंग और बहुत ही शॉकिंग है। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्यों दिखा रहा है और मुझे पता भी नहीं है दोस्तों, शायद एप्लीकेशन ग्लिच भी हो सकता है या कंपनी ने भी ये बात कहीं पर मेंशन नहीं किया है, तो मैं आपको इसके बारे में बता नहीं सकता। तो मैंने जब इसको देखा तो आपको बताना सही समझा, तो मैंने आपको बता दिया। तो अगर बात करें बैटरी की, तो यहाँ पर Asus Zenfone Max Pro M1 में मिलता है आपको 5000 mAh की बैटरी, और बात कर Redmi Note 5 Pro की, तो वहाँ पर आपको मिलता है 4000 mAh की बैटरी। तो यहाँ पर आपको 1000 mAh की डिफरेंस मिल जाता है, जो कि आपको डे टू डे यूजेस पर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आपको मिल सकता है। अगर बात करें सेंसर की इन दोनों फोन में, तो आपको इन दोनों फोन में सभी सेंसर देखने को मिल जाता है, सिवाय NFC और हार्ट रेट सेंसर को छोड़कर आपको सभी सेंसर मिल जाता है। तो ये सब तो गए इन दोनों फोन का छोटे मोटे कंपैरिजन, तो आप चलिए मेन कंपैरिजन की तरफ चलते हैं। जो कि हमारा फर्स्ट कंपैरिजन होगा वो होगा बेंचमार्क स्कोर, जो कि होगा एंटूटू बेंचमार्क स्कोर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि Redmi Note 5 Pro में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा बेटर स्कोर हमें यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि स्कोर सब कुछ नहीं होता है दोस्तों, आप एक स्कोर से अपने फोन को जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो PUBG गेम है जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है और अभी तक का सबसे ग्राफिक्स इंटेंस गेम है एंड्रॉइड डिवाइसेस पर, तो इस गेम को Asus Zenfone Max Pro M1 SD सेटिंग पर चला सकते हैं, वो भी हाई फ्रेम रेट्स पर, जो कि बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। वहीं पर अगर बात करें हमारे Redmi Note 5 Pro की, तो वो बैलेंस सेटिंग के ऊपर जाता ही नहीं है और जो फ्रेम रेट है वो मीडियम तक ही रखता है, जबकि दोनों में CPU और GPU सेम है। CPU में मिलता है आपको Snapdragon 636 दोनों ही फोन में, और GPU मिलता है आपको Adreno 509 दोनों ही में, आपको सेम टू सेम मिलता है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रैम में, दोनों ही फोन का प्राइसेस 15,000 रुपीज है, लेकिन फिर भी आपको Asus में मिलता है 6GB रैम और Redmi Note 5 Pro मिलता है 4GB रैम, तो आपको ये बात को ध्यान में रखना होगा दोस्तों। और PUBG भी ये फोन SD सेटिंग पर चला सकता है। तो अगर बात करें गेमिंग टेस्ट की, तो यहाँ पर Redmi Note 5 Pro को कंप्लीटली बीट कर देता है हमारा Asus Zenfone Max Pro M1 6GB रैम वाला वेरिएंट। तो
आपको अगर इन दोनों में से गेमिंग फोन चाहिए तो आप Asus को डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। तो अब चलिए करते हैं इन दोनों फोन की बैटरी ड्रेन टेस्ट। तो हम सबसे पहले इन दोनों ही फोन में 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे 10 मिनट तक। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट हो चुका है और मैं आपको दिखा दो Redmi Note 5 Pro में है 42% चार्ज जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो और हमारा Asus ZenFone Max Pro M1 में है 56% चार्ज जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, यहाँ पर 10 मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड होने देता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि कितना परसेंट चार्ज ड्रेन होता है इन दोनों फोन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही फोन में 10 मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। तो आप चलिए देखते हैं कि कितना परसेंटेज बैटरी ड्रेन हुआ है। तो अगर बात करें Redmi Note 5 Pro की तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2% का बैटरी ड्रेन हुआ है। वहीं पर अगर Asus की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3% की बैटरी ड्रेन हुआ है, जबकि इस फोन में मिलता है आपको 5000 mAh की बैटरी और Redmi में मिलता है आपको 4000 mAh की बैटरी। फिर भी आपको इस फोन में आपको ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, मतलब Redmi Note 5 Pro में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो बैटरी टेस्ट विनर है हमारे Redmi Note 5 Pro। तो अब चलिए करते हैं इन दोनों फोन का डिस्प्ले टेस्ट। तो हम डिस्प्ले टेस्ट में इन दोनों ही फोन में 1080p 60fps पर वीडियो को चलाएंगे YouTube से और देखेंगे शार्पनेस और कलर रिप्रोडक्शन कौन से डिस्प्ले में हमें बेटर देखने को मिलता है। तो अगर बात करें शार्पनेस और कलर रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही फोन में आपको सेम कलर रिप्रोडक्शन और शार्पनेस देखने को मिलता है। सिर्फ आपका जो Asus ZenFone Max Pro M1 है वहाँ पर आपको थोड़ा सा येलो टिंट इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप जब भी कोई व्हाइट बैकग्राउंड वाला एप्लीकेशन ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको एक थोड़ा सा येलो टिंट इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज इन दोनों डिस्प्ले पर आपको कोई भी चेंजेस या डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो अब चलिए करते हैं इन दोनों फोन के स्पीकर यानी साउंड टेस्ट, कौन से फोन में आपको बेहतर साउंड देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपने साउंड सैंपल को सुनकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कौन सा फोन में आपको साउंड बेटर देखने को मिलता है। तो मेरे को दोनों ही फोन में साउंड इक्वल देखने को मिला है, सिर्फ और सिर्फ Asus जो है वहाँ पर मेरे को थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा साउंड सुनने को मिला है। और अगर बात करें Asus ZenFone Max Pro M1 की तो यहाँ पर एक छोटा सा गैजेट मिलता है जिसको आप साउंड एम्पलीफायर भी बोल सकते हो। तो आप अगर लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करते हो तो इस चीज का यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका साउंड को और भी ज्यादा एनहेंस कर देता है। तो ये बहुत ही यूनिक सा चीज है जो कि आपको Asus प्रोवाइड करता है अपने बॉक्स के अंदर ही। तो आप अगर इस चीज का डेमो देखना चाहते हो, इस इसका साउंड क्वालिटी देखना चाहते हो कि कितना ज्यादा इनहेंस करता है, तो आपको हमारा रिव्यू वीडियो देखना होगा जो कि Asus ZenFone Max Pro M1 का रिव्यू वीडियो है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हो। तो अब चलिए करते हैं फेस अनलॉक टेस्ट। तो मैं आपको अगर फ्रैंकली बोलूं तो इन दोनों में मेरे को फेस अनलॉक में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, लेकिन आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा वीडियो को देखकर, क्योंकि कई कई बार Redmi Note 5 Pro पहले अनलॉक होता है और कई कई बार हमारा Asus पहले अनलॉक होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जब तक अपने प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट नहीं बनाओगे अपने फ्रंट कैमरा की तरफ तब तक ये फोन अनलॉक नहीं होता है दोस्तों। और अगर बात करें फेस अनलॉक की स्पीड की तो दोनों ही फोन में आपको सेम स्पीड देखने को मिला है। मैंने लगभग 50-60 बार टेस्ट किया है दोनों का फेस अनलॉक की, तो दोनों में आपको सेम स्पीड देखने को मिलता है। तो अगर बात करें फेस अनलॉक की तो यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, दोनों में ही ड्रॉ हो जाता है। तो अगर बात करें इन दोनों फोन के डिजाइन को लेकर तो यहाँ पर आपको एकदम डिटो डिजाइन देखने को मिलता है, कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है इन दोनों फोन के। अगर वॉल्यूम रिकॉर्ड्स की बात करें, कैमरा पोजीशन, फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन, लोको पोजीशन, सभी के सभी सेम पोजीशन पर है दोनों ही फोन में। सिर्फ और सिर्फ दो चीजें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है इन दोनों फोन में, एक है फ्लैश जो कि आपका Asus के कैमरा के नीचे है और एक है कैमरा बंप जो कि आपको Asus में बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलता है। और अगर बात करें Redmi Note 5 Pro की तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा कैमरा बंप देखने को मिलता है जो कि बहुत अननोइंग है। आपको कई कई बार अगर अपने टेबल पर फोन को रख देते हो तो आपका कैमरा स्क्रैच होने का चांस रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो फ्लैश है Redmi Note 5 Pro में तो दोनों कैमरा के बीच में है। तो यही सिर्फ डिफरेंस है इन दोनों फोन के डिजाइन पर, और कुछ यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे मेन कंपैरिजन की तरफ, जिसके लिए आप सब लोग वेट कर रहे होंगे, जो कि है कैमरा टेस्ट। तो मैं आपको बता दूं Redmi Note 5 Pro में आपको मिलता है 12+5 megapixel का कैमरा जिसका एपर्चर है f2.2, और आपको Asus M1 में मिलता है 16+5 megapixel का कैमरा जिसका एपर्चर है f2.0। तो इससे पहले कि हम इन दोनों कैमरा की फोटो कंपैरिजन करें, उससे पहले मैं आपको इन दोनों फोन को और एक चीज बता देना चाहूंगा जो कि कैमरा के बारे में है। आपको अगर बात करें Redmi Note 5 Pro की तो वहां पर आपको फुल HD तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि अगर बात करें Asus की तो
वहां पर आपको 4K तक वीडियो रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटी मिलता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है Asus Zenfone Max Pro M1 में। तो वही अगर दूसरी तरफ बात करें मेरे EIS की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, तो आपको Redmi Note 5 Pro में EIS मिल जाता है, जबकि Asus में आपको EIS का नामो निशान देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कितना यहाँ पर शेकी वीडियो आपको मिल रहा है, जो कि राइट वाला फुटेज है वो Asus का है और लेफ्ट वाला है आपका Redmi Note 5 Pro का। तो देख सकते हो कितने स्टेबल वीडियो आपको मिल रहा है। और अगर बात करें फोकसिंग की, तो वहां पर भी हमारा Redmi Note 5 Pro बीट कर देता है Asus को। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो फोकसिंग में कितना टाइम लेता है हमारा Asus Zenfone Max Pro M1। और अगर बात करें Redmi Note 5 Pro की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी जल्दी फोकस हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है स्टेबलाइजेशन में। तो अगर बात करें EIS के केस में, तो आपको Redmi Note 5 Pro में एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, जो कि आपको Asus में देखने को नहीं मिलता है। तो अब चलिए करते हैं फोटो टेस्ट। तो सबसे पहले हम एक फोटो को क्लिक करूंगा, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो Asus में आप अगर चाहते हो तो अपना जो एपर्चर लेवल है उसको लो या हाई कर सकते हो, जिससे आप अपने ब्लर लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो बात करें अगर फोटो की, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इंडोर शॉट लिया है, जो कि पोर्ट्रेट मोड पे लिया हूं मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो क्वालिटी ठीक ठाक ही आई है, शार्पनेस भी ठीक ठाक है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें Redmi Note 5 Pro की पोर्ट्रेट मोड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो थोड़ा सा यहाँ पर सैचुरेटेड ज्यादा है। और अगर बात करें शार्पनेस की, तो शार्पनेस भी यहाँ पर हमें Redmi Note 5 Pro में थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये इंडोर शॉट। आप बात करते हैं बाहर की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैमरा फुटेज है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। जहां पर अगर शार्पनेस की बात करें, तो यहाँ पर हमें Asus में थोड़ा सा शार्पनेस ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर बात करें कलर की, तो थोड़ा सा सैचुरेटेड कलर देखने को मिलता है हमें Redmi Note 5 Pro में। और यहाँ पर बात करें अगर HDR मोड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीटली विनर होता है हमारा Asus Zenfone Max Pro M1। और अगर बात करें इस शॉट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो Asus Zenfone Max Pro M1 कितना डल इमेज कैप्चर करता है कंपेयर टू Redmi Note 5 Pro। तो आप अगर अपने फोटोज को एडिट ज्यादा करते हो, तो आपका Asus का फोटो बेटर लगेगा कंपेयर टू Redmi Note 5 Pro के फोटो। तो वहां पर आपको Redmi Note 5 Pro में उतना ज्यादा शार्पनेस देखने को नहीं मिलता कंपेयर टू Asus। लेकिन अगर बात करें कलर की, या अगर करें सैचुरेशन की या पॉप इमेज की, जो कि बहुत ही देखने में अच्छा लगता है, तो वो इमेज आपको मिलेगा Redmi Note 5 Pro में। लेकिन अगर बात करें नॉर्मल फोटो की, जिससे आपको एडिट वेडिट करना होता है, तो वो आपको Asus में आपको बेहतर मिलेगा। तो आपको अगर एडिट करना है फोटो, तो Asus परचेस करिएगा। और अगर आपको इंस्टेंटली इंस्टाग्राम रेडी फोटो चाहिए, अच्छा फोटो चाहिए जो कि आंखों को दिखने में अच्छा लगे, तो आप Redmi Note 5 Pro को परचेस कर सकते हो बैक कैमरा की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोर्ट्रेट मोड की, तो यहाँ पर आप राइट वाले इमेज पर देख सकते हो कि कितना ज्यादा ब्लर लेवल आपको देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप अपना जो Asus का कैमरा है, उसमें आप अपने ब्लर लेवल को कम या ज्यादा कर सकते हो। तो ये एक्सट्रीम ब्लर लेवल है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो दिखने में ऐसा लगता है। तो आप अगर ब्लर को ज्यादा कर देते हो, तो दिखने में बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल लगता है, उतना ज्यादा रियल नहीं लगता है कंपेयर टू Redmi Note 5 Pro के फोटो। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो। तो अगर बात करें इस फोटो की, तो हमने एपर्चर को थोड़ा सा हाई किया है ब्लर लेवल को मैच करने के लिए Redmi Note 5 Pro के कैमरा के साथ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोनों ही फोटो में लगभग सेम तरह की फोटो आई है। लेकिन अगर बात करें फोटो के कलर की, तो वही सेम बात मैंने बोलूंगा कि हमारे Redmi Note 5 Pro में आपको थोड़ा सा ज्यादा कलर के साथ फोटो मिलता है, जो कि दिखने में लोगों को पसंद आता है। और अगर बात करें Asus के फोटो की, तो यहाँ पर आपको एकदम नॉर्मल फोटो मिलता है थोड़ा सा ज्यादा शार्पनेस के साथ, जिसको आप एडिट करोगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप Redmi Note 5 Pro के फोटो को एडिट नहीं कर सकते, आप उसके फोटो को भी एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल फोटो चाहते हो, जो कि कोई भी नहीं चाहता आजकल के टाइम पे, तो वो आपको Asus के कैमरा में मिलता है। तो आपको जिस तरह का फोटो चाहिए, आप उस तरह का कैमरा चूज कर सकते हो। और मैं आपको Asus के कैमरा की एक बात और बताना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, आप जब भी पोर्ट्रेट मोड को क्लिक करते हो, तो वहाँ पर एक प्रोसेसिंग होके आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि बहुत अनोइंग है। आप अगर गलती से भी उस प्रोसेसिंग के टाइम पे अपने फोन को हिला लेते हो थोड़ा सा भी, तो आपका जो फोटो होगा कुछ इस तरह का आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि एकदम बेकार फोटो आ जाता है आप अगर थोड़ा सा भी हिलाते हो तो। लेकिन आप अगर अपने हैंड को स्टेडी रख के, स्टेबल रख के फोटो को क्लिक करते हो, जो कि 3-4 सेकंड लेता है, तब आपका फोटो एकदम बहुत ही कूल इफेक्ट के साथ आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये कुछ बात है जो कि मैंने आपको बताना सही समझा और मैंने आपको बता भी दिया। तो आप चलिए बात करते हैं हमारे फ्रंट कैमरा की। तो आप देख सकते हो कि Redmi Note 5 Pro में आपको बेटर सेल्फीज देखने को मिलता है, बेटर पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का कैमरा कंपेयर टू आपका Asus का कैमरा, जिसमें मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा, वो भी 6GB रैम वेरिएंट के साथ। अदरवाइज अगर 3G या 4GB रैम वेरिएंट आप खरीदते हो, तो आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। और अगर बात करें कैमरा एंगल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो Asus में आपको थोड़ा सा वाइड एंगल कैमरा मिलता है फ्रंट कैमरा में। और बात करें अगर Redmi Note 5 Pro की, तो वहाँ पर वाइड एंगल थोड़ा सा कम मिलता है कंपेयर टू Asus के कैमरा से। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो, मैंने दोनों ही फोन में ब्यूटीफिकेशन को लेवल 1 पर सिलेक्ट किया हूं, फिर भी हमारे Redmi Note 5 Pro में आपको बेटर स्किन देखने को मिल रहा है कंपेयर टू Asus के कैमरा पे। Asus के फ्रंट कैमरा में ध्यान देना चाहिए, अगर आपका सेल्फी अगर नॉर्मल इफेक्ट के साथ आएगा, तो वो कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि हर किसी को सेल्फी बेटर सेल्फी चाहिए, अपना फेस एकदम चिकना होना चाहिए, मतलब जो लोग करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करते हैं। तो सेल्फी के टाइम पे अगर आपको शार्पनेस इमेज आएगा, तो उतना अच्छा नहीं आएगा जैसा कि हमारे Asus में आ रहा है। और बात करें अगर Asus के पोर्ट्रेट मोड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर इनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ जगह पर इनके एजेस को उतने अच्छे तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे कान के वहां पर भी उतने अच्छे से डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो
मुझे नहीं लगता कि ये कोई मेजर इशू है। इसको Asus वाले अपने फोन पर अपडेट देकर भी ठीक कर सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड पोर्टेड मोड है तो इसको अपडेट देकर ठीक भी कर सकते हैं। और मुझे लगता भी है कि ये अपडेट देकर ये ठीक कर देगा, क्योंकि हमारे जो Asus का कैमरा है वो डे बाय डे इम्प्रूव होता रहता है सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ। तो अगर बात करें इस वाले फोटो की, तो ये है इंडोर पोर्ट्रेट मोड। तो इस वाले फोटो में मुझे दोनों के फोटो सही लगा है, दोनों का फोटो लगभग सेम ही लगा है। लेकिन अगर वही बात करें एज डिटेक्शन की, तो वहां पर आपको Redmi Note 5 Pro में थोड़ा सा ज्यादा बेहतर आपको ऑप्टिमाइज एज डिटेक्शन देखने को मिलता है कंपेयर टू Asus। तो मैंने आपको सारे कैमरा सैंपल और सारे कैमरा शॉट वीडियो वगैरह के बारे में आपको डीपली और अच्छे तरीके से बता दिया हूं। तो ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कैमरा चाहिए। तो मैं आपको फिर से बता दूं, आप अगर अपने फोटो को एडिट वगैरह ज्यादा करते हो तो आप Asus को परचेस करिए। और अगर आपको इंस्टेंटली इंस्टा रेडी फोटो चाहिए, इंस्टाग्राम रेडी फोटो चाहिए बेहतर कलर पॉप कलर के साथ, तो आप Redmi Note 5 Pro को परचेस कर सकते हो। उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा सैचुरेटेड कलर देखने को मिलता है। और अगर बात करें ओवरऑल फोन की, तो आपने अगर सिर्फ गेम खेलना है तो आप डेफिनेटली Asus की तरफ जाइए, उसमें आपको PUBG HD पर चला देगा। और अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो आप Redmi Note 5 Pro को परचेस कर सकते हो। आपको अगर लॉट्स ऑफ कस्टमाइजेशन चाहिए, MIUI आपका फेवरेट है, तो आप डेफिनेटली Note 5 Pro की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ गेमिंग करना है, अगर बेहतर आपका बैटरी बैकअप चाहिए, तो आप Asus की तरफ जा सकते हो। तो या आई होप कि आपको मैंने सारे चीजों को अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ, सारी चीजों को अच्छी तरीके से आपके सामने बोल पाया हूँ। अगर कोई चीजें मिस हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कौन सा वाला फोन बेटर लगा है, Redmi Note 5 Pro या Asus ZenFone Max Pro M1। आपको जो भी फोन अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और आपने अगर अभी तक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चल जाए कि कौन सा फोन बेटर है इन दोनों फोन में, क्योंकि इन दोनों फोन को लेकर बहुत ही ज्यादा आपको वर्क चल रहा है फिलहाल मार्केट में। और आखिर में इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया है दोस्तों। इस तरह का वीडियोस आप अगर देखना चाहते हो, इस तरह का वीडियोस आप अगर सबसे पहले देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि आप देख पाए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलूंगा आप सब लोगों से ऐसे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पीस आउट।